सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी विद सुधीर और हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हेलो एवरीवन, दिस इज सुधीर एंड टुडे आई डिस्कस द पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज। पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्लास प्लस वन और बीए दोनों के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसके अंदर पिछली जो वीडियो है उसके अंदर हमने पढ़े थे फोर्सेस के बारे में, पढ़े थे जिनसे कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट है वो हुए थे, तो वो मुझे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं लगा। तो उसके बाद एक कन्वेंशनल जो करंट है वो पढ़ेंगे, जिसकी वजह से हम शायद मान सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज, ये दो थ्योरीज हैं इनके बारे में पढ़ने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। और पहला था कन्वेंशनल करंट थ्योरी। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि मुझे ये पूरा क्लीन करना पड़ेगा उसके बाद। चलिए सेकंड की मैं बात करते हैं। तो जो सेकंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उसके दौरान उसके पोस्ट के बाद, पोस्ट वर्ल्ड वॉर जो उसके बाद में क्या हुआ कि जो जो सी फ्लोर है उसकी कॉन्फिग्रेशन की गई। कॉन्फिग्रेशन का मतलब उसमें जांच की गई, उसका उसकी स्टडी की गई, तो पाया गया कि क्या हुआ, क्या पाया गया, ओशियन क्रस्ट इज यंगर। हमने जो सेकंड जो वीडियो थी हमारी एविडेंस वाली, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो ओशियनिक जो रॉक्स हैं उसकी स्टडी की गई, तो पता चला कि जो ओशियनिक जो रॉक्स हैं वो यंगर है, यंग है, यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। तो इसी तरीके है कि जो ओशियनिक जो क्रस्ट है वो यंगर है, यंगर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो कॉन्टिनेंटल की जो क्रस्ट है उससे यंगर है। और ओशियनिक क्रस्ट की जो थिक है पतली है केवल 5 किलोमीटर, और जबकि वो है हमारी 60 किलोमीटर के आसपास देखने को हमें मिलती है। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, यूएस की जो फोर्सेस थी उसने डिस्कवरी की, मतलब इसकी खोज की, किसकी, सी फ्लोर की, और उसमें पाया कि यहाँ पे हमें माउंटेन देखने को मिलते हैं, या फिर जो मोर है मिड ओशियनिक रिड्स, या फिर ट्रेंचेज, ट्रेंचेज मतलब वैली, जो वैली है वो देखने को मिली। ऐसी इन्होंने डिस्कवरी की और अलग अलग जो लैंडफॉर्म है वो देखने को मिली। जो लैंडफॉर्म हमें लैंड पे दिखाई देती थी वही जो लैंडफॉर्म है वो हमें ओशियन जो फ्लोर है उस पे भी देखने को मिली। फिर क्या हुआ कि जो ओशियन जो फ्लोर है उसकी कॉन्फिग्रेशन की गई, मतलब उसको अब उसके बारीकी से उसका निरीक्षण किया गया और इसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। पहला था कॉन्टिनेंटल मार्जिन, कॉन्टिनेंटल मार्जिन पहला, दूसरा आता अब्यूज प्लेन, और तीसरा आता मोर, ऐसे इसको डिवाइड किया गया। कॉन्टिनेंटल जो प्लेन जो मार्जिन है उसके अंदर कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, स्लोप है, राइज है, ट्रेंचेस है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। देखिए जैसे ये है, ये जैसे उसकी क्रस्ट है, किसकी, ओशियन की, ओशियन की जो क्रस्ट है इसके ऊपर शुरुआती जो टाइम होगा जहां पे कॉन्टिनेंट भी मिलेगा और ओशियन भी, तो उसको बोलते हैं सेल्फ। फिर कुछ दूरी पे जाने के बाद स्लोप दिखाई देता है जिसको कॉन्टिनेंटल स्लोप के नाम से जाना जाता है। फिर कुछ क्षेत्र ऐसा आता है, कुछ थोड़ी दूरी पे एक ऐसा रीजन आता है जहां पे राइज उठता हुआ दिखेगा हमें सी फ्लोर, तो उसको बोलते हैं राइज। फिर ट्रेंचेस वैली की टाइप में दिखेंगे हमें, जिसे ट्रेंचेस बोलते हैं। और लास्ट में हमें माउंटेन दिखाई देते हैं, जब नीचे जब सी फ्लोर पे चले जाते हैं तो ये हमें माउंटेन दिखाई देते हैं, ये वोल्केनो माउंटेन होते हैं जिनको मोर कहते हैं। ट्रेंचेस और मोर इनके बीच में जो मिलता है वो मिलता है अब्यूज प्लेन, जो अब्यूज जो प्लेन है वो देखने को मिलते हैं। और मोर ये मैंने आपको बता दी, ये वो ओशन होते हैं, ये वो माउंटेन होते हैं जो वोल्केनो से बने हुए होते हैं, ये ज्यादातर हमें अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के अंदर देखने को मिलते हैं। ये थी हमारी सी कॉन्फिग्रेशन, सी फ्लोर की कॉन्फिग्रेशन है, इसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। अब बात करते हैं कन्वेक्शनल करंट थ्योरी की। कन्वेक्शनल जो करंट थ्योरी है, यदि 9 के बच्चे भी मुझे देख रहे हैं तो उनके लिए भी आप देख सकते हैं ये, क्योंकि उसके अंदर भी आपको ये पढ़ने को मिलेगी 9th के अंदर। चलिए मैं ये रिमूव कर देता हूं इस साइड वाला, ठीक है। कन्वेंशनल करंट थ्योरी, इसके अंदर क्या होते हैं कि हमारे जो अर्थ है उसको हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। एक आइसक्रीम जैसी होती है, एक आइसक्रीम जैसी होती है, ये तो हो गया हमारा क्रस्ट जहां पे हम रहते हैं, ये पार्ट तो हो गया हमारा क्रस्ट वाला। और फिर ये जो नीचे जो है ये है मेंटल, ये है मेंटल जिसके अंदर मैग्मा है, लावा वो मिलता है, और नीचे है ये कोर,
लास्ट वाला जो पार्ट है वो है कोर। अब बात करते हैं, अब इसके अंदर देखिए जो कन्वेक्शनल, अब सिर्फ ये मुझे एक बार आपको समझानी थी, यहां पे क्या होते हैं रेडियो एक्टिव डिके होते हैं। रेडियो एक्टिव डिके लगातार जो लावा है वो होता है। देखिए ये हमारी क्रस्ट है, ये हमारी क्रस्ट है। अब क्या हुआ, नीचे से क्या है, यहाँ पे लावा है, ये मेंटल है और ये क्रस्ट है और ये मेंटल है। और क्या है, अब बात करें इसके अंदर, तो यहां से जो लावा है वो ऊपर की साइड है आता है, मतलब जो एनर्जी है वो लगाता है यहाँ पे, वो फोर्स अप्लाई करता है। जब फोर्स अप्लाई करता है तो नीचे से ये क्या है, जब लावा ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, तो कुछ टाइम के बाद ये कमजोर हो जाएगी और ऐसी ये जो एक्टिविटी है वो चलती रहती है। ये जो एक्टिविटी है वो चलती रहती है, जो लावा है वो अपना जो मूवमेंट है वो बरकरार रखता है। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे यहां पे फोर्स लगेगा और तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगी, यहां से टूट जाएगी और लावा यहां पे फिल हो जाएगा, लावा यहां पे फिल हो जाएगा और ये ऐसे एक्सटेंड हो जाएगी, ये इस साइड बढ़ जाएगी और ये इस साइड बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होता है, फिर ये प्रोसेस है वो चलती रहेगी, फिर टूट जाएगी, फिर ये फिर इंक्रीज हो जाएगी, फिर ये इस साइड फिर इंक्रीज हो जाएगी। इस प्रकार से ये जो करंट जो चल रहा है, ये जो लावा है वो मूवमेंट कर रहा है अपने, इसी को बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। और मेन जो मकसद है, मतलब मेरा समझाने का मकसद था कि इसी के कारण क्या पता कि जो कॉन्टिनेंटल है वो अलग हुए होंगे एक दूसरे से। ये थी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी और सी फ्लोट कॉन्फिगरेशन थ्योरी। और इसके बाद अगला जो पार्ट होगा उसके अंदर हम अलग से जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।